दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपने आवास योजना का फॉर्म भरा है और आपका आवास का यो आवेदन फॉर्म सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और आपका पेमेंट पहली किस्त अभी तक नहीं आई है और आपका जॉब कार्ड वर्क चढ़ा हुआ है या नहीं, कैसे चेक करें कि आपका जॉब कार्ड में वर्क चढ़ा हुआ है या नहीं। अगर आपको आवास योजना का फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और आपका लिस्ट में नाम आ चुका है, तो आपके जॉब आपके परिवार में किसी भी एक व्यक्ति के जॉब कार्ड पर 100 दिन का वर्क दिया जाएगा, तो उस वर्क को कैसे चेक करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश गौर, अपने यूट्यूब चैनल दीपेश गौर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अपने जॉब कार्ड का वर्क आवास योजना में कैसे देखें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में कोई सा ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रखा है। इसमें हम सर्च बार में लिखेंगे एम नरेगा, यहाँ पर हमें लिखा हुआ है एम नरेगा। लिखकर जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा। तो यहाँ ग्राम पंचायत नरेगा पर आपको क्लिक कर देना है। ग्राम पंचायत नरेगा में क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा जूम करने के बाद यहाँ पर स्टेट आपको दिखाई देगा, तो स्टेट पर सिलेक्ट कर देना है। स्टेट पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करने का बोला, तो हम मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लेते हैं। अपना आपका जो भी स्टेट है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर साइड में देखिएगा, आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने की बोलेगा। आप तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम हरदा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। हरदा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपका ब्लॉक सिलेक्ट करने की बोला, तो अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लीजिएगा। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा। उसके पश्चात अपनी ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लीजिए। आप जिस भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं अपनी ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमने अपनी ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको वर्क में यहाँ चौथे नंबर वर्क वाइड कंसोल डेटा रिपोर्ट और पेमेंट टू वर्क चौथे नंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको वर्क कोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख थोड़े नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पीएम हाउस है, तो हम किसी का भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा सीरियल नंबर, जॉब कार्ड नंबर, एप्लीकेंट नंबर, मास्टर रोल नंबर, डेट कब चालू किया, कब खत्म किया, बैक पेंच डे, टोटल अटैचमेंट, टोटल केस रिक्वायर्ड, अभी तक इन्हें कितनी पेमेंट मिल चुकी है, 13,572 रुपये। इन्हें 100 दिन का वर्क दिया जाएगा, तो जिसमें कुल लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये इन्हें मिलेगा 100 दिन के जॉब कार्ड वर्क में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपना मास्टर रोल नंबर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये मास्टर रोल नंबर दिखाया गया है। यहाँ पर आप अपना मास्टर रोल नंबर भी देख सकते हैं और आपका ये देख सकते हैं कि वर्क यहाँ पर कितना बचा हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर आपको जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का आइकन पर क्लिक करिए और घंटे को ऑल पर क्लिक कर दिए, ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपके साथ जल्द मिलेंगे।